वो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन सब चीजों के बारे में डिजायर्स नहीं रखता होगा। हम सभी इंसान कुछ ना कुछ बेसिक डिजायर्स रखते हैं, जैसे फाइंडिंग समवन हु लव्स अस, जिसे हमें प्यार हो। हम घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम गाड़ियाँ चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, या बोलो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हम एक बेफिक्री जिंदगी चाहते हैं, हम ट्रैवल करना चाहते हैं। और जब हमें पता चले कि हम ये सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम अक्सर डिसाइड नहीं कर पाते। हम बोलते हैं कि अगर हम ये चीज़ पहले चूज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ पीछे रह जाएगी, और हम इस चक्कर में सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप एक साथ सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करते तो आप क्या करते हैं, डिसीजन को पेंडिंग रहने देते हैं। आप बोलते हैं आज नहीं, कल से मैं स्टार्ट करूंगा मैनिफेस्ट करना, कल से देखूंगा, आज नहीं यार, कल चूज़ कर लूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा टर्मोइल फेस कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसे थॉट्स सोच रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आप कौन सी ऐसी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आप सबसे पहले मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी और आपको ऐसे डर नहीं रहेगा या एंजाइटी नहीं रहेगी कि कोई दूसरी चीज़ छूट रही है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हे एवरीवन, मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टेशंस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब टॉपिक्स में तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग। एंड एज यू ऑल नो, अब आप मेरी कोचिंग ले सकते हैं रिगार्डिंग योर मैनिफेस्टेशन। एज यू ऑल नो दैट आप वन ऑन वन कोचिंग ले सकते हैं मुझसे फॉर योर मैनिफेस्टेशंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर योर मैनिफेस्टेशंस, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं, या आपको बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरुआत कर रही हैं, तो आप नीचे दिए गए जीमेल पे मुझे एक मेल भेज सकते हैं राइटिंग योर नेम और साथ में दैट आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। अब इस कोचिंग के दौरान सबसे पहले तो हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम क्लैरिटी डेवलप करेंगे कि आपको डिजायर्स क्या चाहिए और आप उनसे रिगार्डिंग कैसे इमोशंस रखते हैं। और फिर उसके बाद हम आपको एक कस्टमाइज्ड रूटीन प्लान बना के देंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको सूट करेगा, और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान, थ्रू आउट योर जर्नी, आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे ऑन व्हाट्सएप। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस चीज के साथ शुरुआत करनी चाहिए, आपको एक चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए पहले या सारी चीजें एक साथ करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब आप लिस्ट बताना शुरू कर देंगे, अच्छा मुझे SP चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ट्रैवलिंग चाहिए। ओके, बट इस क्वेश्चन में आप एक और चीज ऐड करें कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो 2400 घंटे आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रखती है, ऐसी क्या चीज है जो आप 2400 घंटे सोचते रहते हो, जिसके बारे में आप रात को सोते हुए नेचुरली सोचते हो, सुबह जागते हुए नेचुरली सोचते हो, 24/7 वो आपके बैक ऑफ द माइंड में ख्याल चल ही रहा होता है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी क्या चीज है जिसे अभी पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, आप इतने डेस्परेट हो उस चीज को पाने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आप चाहते हो, सबसे ज्यादा, आपको फर्क नहीं पड़ता बाकी चीजों से, आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हो इस टाइम पे, मतलब जिसको सोचते सोचते ना आपको नींद ही ना आए, आप सोचते ही चले जाओ उसके बारे में, आप सोचते ही चले जाओ, नेचुरली विजुलाइज करते चले जाओ। ऐसी क्या चीज है जो आपका दिमाग 24/7 ऑक्यूपाइड रखती है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखो कि आप सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हो। आप एक दिन लो, दो दिन लो और अपने आप को देखो कि आप सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचते हो। आप SP के बारे में सोचते हो, आप पैसे के बारे में सोचते हो, आप ट्रैवलिंग के बारे में सोचते हो, आप वेट लॉस के बारे में सोचते हो, आप मैरिज के बारे में सोचते हो, आप कौन सी ऐसी चीज को सबसे ज्यादा सोचते हो। जो चीज आपको इस मोमेंट में चाहिए ये वही चीज है,
और यही वह चीज है जो आपको सबसे पहले मैनिफेस्ट करनी चाहिए। 99% लोग जो हैं वो या तो एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एसपी के साथ रिलेशनशिप या मैरिज ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या सेकंड में आ जाता है मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये दो ही ज्यादातर लोग चाहते हैं, और अगर थर्ड हो गया तो वेट लॉस। तो आप अपनी कैटेगरी खुद चूज कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करनी है, सबसे ज्यादा आपको इस टाइम पे क्या चाहिए। कुछ लोगों के लिए एसपी प्रायोरिटी होगा, कुछ लोगों के लिए वेट लॉस प्रायोरिटी होगा, और कुछ लोगों के लिए पैसा प्रायोरिटी होगा। सो सबसे ज्यादा जो आपकी नीड है इस टाइम पे, जो आपको मजबूर कर सकती है कोई भी काम करने के लिए, कि आप किसी भी हद तक गुजर सकते हो, आपको इतनी जरूरत है इस चीज की, वो आपकी नीड है। और वही आपकी डिजायर है जो आपको पहले चूज करनी चाहिए, पहले मैनिफेस्ट करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपने अभी जिस शुरुआत की है, ठीक है, यू आर नॉट अ मास्टर मैनिफेस्टर। आपको प्रॉपरली चीजें कैसे काम करती हैं आपको नहीं पता, और अभी आपने जस्ट फर्स्ट स्टेप रखा है इस फील्ड में, या अगर आपको ज्यादा टाइम हो भी गया है और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक चीज के पीछे पड़ जाओ, एक चीज को अफर्म करो कि अभी आपके पास वो है। और अगर आप ऐसे अफर्म नहीं कर सकते कि अभी आपके पास वो है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अब वो किसी भी मोमेंट में हो सकती है। या तो आप ऐसे बोलोगे दैट यू हैव इट राइट नाउ, और यू विल बी अफर्मिंग लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग इट इन एनी मोमेंट नाउ। ओके, एफर्मेशन का वीडियो तो आपको पता ही है कि एफर्मेशंस कैसे बनानी है, ये मैंने क्लियर स्किन में भी बताया है, बाकी वीडियोस में भी बताया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब कुछ लोगों को ख्याल आता है जब वो 3-4 दिन हो जाते हैं अपनी एफर्मेशन बोलते हैं एक चीज से रिलेटेड, तो उन्हें बाकी चीजों के बारे में भी ख्याल आता है कि यार अच्छा अभी तो मैं एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या पैसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या वेट लॉस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो भी चाहिए, या मुझे ट्रैवल भी करना था, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, वो कब होगा। तो मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड ये नेचुरल है, इट्स नेचुरल। आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाए, दिस इज नेचुरल। लेकिन आपको उस जगह से, डिस्ट्रैक्शन से वापस इस एफर्मेशन पे लेके आना है अपने दिमाग को, और वो भी बड़े प्यार से, ठीक है। जैसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एसपी, और सडनली आपको याद आता है कि नहीं यार मैंने तो मनी भी मैनिफेस्ट करना है, मैंने तो जॉब भी मैनिफेस्ट करना है, तो उस टाइम पे आप उन चीजों को ऐसे कंसिडर करोगे दैट इट्स डन, कि अभी इस मोमेंट में वो भी चीजें हो चुकी हैं, एंड वापस आप एसपी की एफर्मेशंस पे आ जाओगे। मतलब आप एफर्मेशंस बोलते रहिए, 3 एफर्मेशंस बनाइए एक चीज से रिलेटेड। आप मल्टीपल चीजें मत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए एक साथ, क्योंकि आप जितना ज्यादा बड़ा वो करते जाएंगे, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट करते जाएंगे, उतना ज्यादा लेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और इतना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। आप एक चीज चूज कीजिए सबसे पहले, उससे रिलेटेड एफर्मेशंस बनाइए, और एफर्मेशंस को बोलते रहिए, जितनी बार उस चीज का ख्याल आता है बोलते रहो, और रिलैक्स्ड वे से बोलते रहो, जैसे कि वो अभी हो चुकी है, जैसे कि वो अभी हो चुकी है। और अगर आपका ध्यान किसी और डिजायर पे जाता है, किसी और विश पे जाता है, तो उस टाइम पे आपने बोलना है कि वो विश भी कंप्लीट हो चुकी है, एंड आप वापस से अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हैं एसपी की, सपोज अगर आप कर रहे हैं, या फाइनेंस की कर रहे हैं, आप वापस से वो एफर्मेशंस रिपीट करने लगो। दिस इज द प्रोसेस, एंड इस चीज का फायदा यह है कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड अप हो जाती हैं। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत लेट होता है यूजुअली। अब ऐसा भी नहीं है कि लेट होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कंसिडर कर रही हूँ इस टाइम पे कि आप लोग बिगिनर्स हो, और बिगिनर्स को स्टार्ट छोटी चीज से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ बहुत बड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और हम जब उस चीज को नहीं पूरा कर पाएंगे, तो हमारा दिल टूट जाता है, एंड हम हार जाते हैं, हम ऐसे लगता है कि यार ये नहीं होगा हमसे। तो स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, स्टार्ट विद वन थिंग, एंड सी कैसे वो 2-3 वीक्स में आपके पास आ जाएगा। जैसे आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई क्लियर स्किन, सो विद इन 1.5 मंथ आई मैनिफेस्टेड इट। आई आफ्टर दैट आई वॉन्टेड माई PCOD टू बी क्योर्ड, मैंने 1 मंथ में उसे ठीक कर लिया। मतलब आई वॉन्ट यू टू चूज वन थिंग, विन, एक चीज चूज करो, उसको कंप्लीट करो,
फिर अगली चीज चूज करो, फिर उसे कंप्लीट करो, फिर अगली चीज चूज करो, फिर उसे कंप्लीट करो. मतलब मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक महीने के अंदर एटलीस्ट 2 मैनिफेस्टेशंस हो जाएं, और वो तभी होंगी जब आप एक चीज को चूज करोगे, उससे रिगार्डिंग अफर्म करोगे जब भी ख्याल आ रहा है. अगर पूरा दिन सिर्फ ख्याल ही उस चीज का आता है तो फिर अफर्म करते रहो पूरा दिन, चलते फिरते, नहाते खाते पीते, कहीं अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हो, ड्राइव करते हो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो. और क्या है, किसी ऐरी गैरी चीज से सोच के बारे में सोचने से अच्छा आप इस एफर्मेशन को बोलते रहो. छोटी छोटी एफर्मेशन बनाओ, एक एक लाइन की, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो. सी कैसे, आई गारंटी यू, इफ यू कैन स्पीक इट फॉर 2-3 वीक्स, 2-3 वीक्स, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. आपको खुद फील होगा दैट इट्स डन, एंड ये अब कभी भी हो सकता है, और क्या पता हो जाए. So, choose one thing, make affirmations, repeat affirmations, don't get distracted, and you will get your manifestations. That's all for today, and I'll see you in the next episode. Bye.